और अब खबर धौलपुर के मोरोली क्षेत्र से है, जहां 7,000 रुपए के इनामी बदमाश गब्बर सिंह के देवकपुरा गांव में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश की कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई को देखकर दस्यु गब्बर सिंह ने अपने 4 साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग कर दी और ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान दस्यु गिरोह बीहड़ों का फायदा उठाकर एमपी की ओर भाग गया। कोतवाली थाना प्रभारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि पुलिस को इनामी डकैत गब्बर सिंह के देवकपुरा गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर 2 पुलिस टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई, लेकिन डकैत गब्बर सिंह मौका देखकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विगत रात में करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश गब्बर और धर्मेंद्र और रवि तीनों देवकापुरा में धर्मेंद्र के घर पर रुके हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर गांव में दबिश की कार्रवाई की गई थी। दबिश के दौरान बदमाश चंबल नदी में कूदने कर भागने में सफल हो गए। भगने से पहले उन्होंने पुलिस पर फायर किया और आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम होने के कारण वो लोग भग जाने में सफल हो गए, जबकि दबिश के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें भी अनुसंधान किया जाए।